लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में जुट गई है। बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ने मीडिया से बात करते हुए सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर दिया। साथ ही आदित्य यादव ने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव एवं राहुल गांधी के बीच गठबंधन में निकटता बनी रही है, ये आगे भी विधानसभा उपचुनाव में निश्चित ही जारी रहेगी। बड़े अंतर पे सफलता मिलेगी, 10 में से 10 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरीके से निर्माण तो बहुत किए गए, शिलान्यास बहुत सारे किए गए, उद्घाटन कई सारे किए गए, लेकिन पहली बारिश और दूसरी बारिश में ही सारी हकीकत सामने आ गई। चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस को क्यूटो बनाने का सपना हो, वो सभी धराशायी हो चुके हैं। इसलिए हमें पूर्णता विश्वास है कि जो उपचुनाव होने जाएंगे समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रही है। में बड़े पैमाने पर भाजपा नेताओं ने जमीन खरीदी है, जो घोटाले भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पहले से विपक्ष इस बात को कहता रहा है, अब जो कि समीक्षा हुई है ये सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन ये सारी बातें पहले भी हो चुकी है। पहले किस तरीके से चंद मिनटों में कुछ करोड़ की जमीन को, 2 करोड़ की जमीन को 18-20 करोड़ में बेचा जाता है, इस तरीके के कई सारे घपले हुए हैं अयोध्या के अंदर, और अयोध्या की जनता ने इसीलिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं दालें 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, लगता नहीं आपको गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं? पूरी तरीके से आपने देखा प्रेस वार्ता थी, उसके अंदर इस बात को कहा गया, और किस तरीके से बात कहने के बाद खिलाकर हंस के एक तरीके से गरीब आदमी की जो कमर टूटती जा रही है महंगाई में, उसमें एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हंसी उड़ाने का काम निश्चित तौर पे किया है। आज जो 100 रुपए की बात कर रहे हैं, अगर आप जाके बाजार में देखेंगे, कोई 120, कोई 130, कोई 160 तक की भी दालें बिक रही हैं, और ऐसे में गरीब आदमी कहां से जाके अपने परिवार का पेट भर पाएगा। देखिए, पार्टी का नेतृत्व का फैसला होगा। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने लोकसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी ने जिम्मेदारी दी उन्होंने काम किया है, आगे भी जो जो जिम्मेदारी मिलेगी उन सभी को निर्वहन पूरी तरह करेंगे। आज भी जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें उन्होंने अपनी तरफ से संदेश यही दिया है कि संगठन को मजबूत रखना है, तो मैं समझता हूँ हम सभी लोग, चाहे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हो, चाहे जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हो, हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी आपने देखा है किस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी का जो साथ रहा है लोकसभा में, आप सबने देखा है एक बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी बनी हुई है, इसी तरीके की बनी रहेगी। इंडिया गठबंधन निश्चित ही इस उपचुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेगा। इटावा से रजत सिंह की रिपोर्ट, USTB इंडिया।